फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। वीडियो के पिछले पार्ट में हमने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं और नाउन क्या होता है और नाउन के कितने भागे होते हैं। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं और नाउन के जो काइंड्स थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो नाउन का जो पहला पार्ट था वो था प्रॉपर नाउन, उसके बाद में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी नाउन के पांच काइंड थे। आज हम पहले चर्चा करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन को हिंदी के अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगर देखें डेफिनेशन तो प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो, किसी एनिमल जानवर का नाम हो या किसी वस्तु का बोध हो, यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के अंदर देखें कि आई लिव इन हनुमानगढ़, मैं हनुमानगढ़ में रहता हूं, तो यहां पर एक पर्टिकुलर स्थान का नाम दिया हुआ है हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ किस नाउन के अंदर आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा, यानी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है सचिन तेंदुलकर इज ए वंडरफुल प्लेयर। सचिन तेंदुलकर एक बहुत ही अच्छे प्लेयर यानी खिलाड़ी है, तो इसके अंदर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया गया है वो है सचिन तेंदुलकर, तो ये आएगा प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। वहीं इसके अंदर एक वर्ड यानी नाउन और दिया गया है प्लेयर, तो प्लेयर काफी है परंतु उसके अंदर कौन सा प्लेयर, सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर आया प्रॉपर नाउन के अंदर। इसी प्रकार प्लेयर जो वर्ड है वो किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन के अंदर आएगा यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा, ये हम कॉमन नाउन के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये पूरी प्लेयर जो जाति है उसका बोध करा रहा है। इसी प्रकार आगे बढ़े तो दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी के अंदर जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बात करें डेफिनेशन की तो इट्स डिनोट्स होल क्लास, यानी यह पूरी क्लास का बोध कराता है यानी पूरे समूह का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा है वो पूरे समूह का बोध कराती है। देखें एग्जाम्पल तो अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। तो राजा यानी किंग जो वर्ल्ड है ये पूरी राजा जाति का बोध हमें करा रहा है। राजा काफी हुए परंतु अगर बात करें अकबर एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया गया है तो ये आएगा प्रॉपर नाउन के अंदर, और वहीं किंग जो वर्ल्ड है वो किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा क्योंकि यह पूरी किंग जाति का बोध करा रहा है यानी पूरी क्लास का बोध करा रहा है। इसी प्रकार है द गंगा इज ए सैक्रेड रिवर, यानी गंगा एक पवित्र नदी है, तो रिवर जो वर्ड है वो किसके अंदर आएगा, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्योंकि पूरी जाति का बोध करा रहा है रिवर वर्ड। परंतु अगर बात करें पर्टिकुलर किसी नदी की तो इसके अंदर दे रखा है द गंगा, तो गंगा किसके अंदर आएगी, प्रॉपर नाउन के अंदर यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। तो रिवर जो वर्ड है वो कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा क्योंकि यह पूरी जाति का बोध करा रहा है। वहीं द गंगा पर्टिकुलर नाउन के अंदर आएगा यानी प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं कोलेक्टिव नाउन की, तो कोलेक्टिव नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। कोलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा या संग्रहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक या संग्रहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप का नेम हो, ये व्यक्तियों का ग्रुप हो, किसी स्थान का ग्रुप हो, किसी पशु पक्षियों का ग्रुप हो या किन्हीं वस्तुओं का ग्रुप हो, पर्टिकुलर एक जो ग्रुप का बोध कराए उसको क्या कहेंगे, कोलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के अंदर देखें ए
हर्ड ऑफ कैटल, ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का मतलब होता है मवेशी। तो यहां पर पशुओं का जो झुंड होता है उसके लिए क्या आएगा, ए हर्ड ऑफ कैटल। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए खालिस्तान ऑफ कैटल, अगर यहां पर अपने ए ग्रुप ऑफ कैटल कर देंगे तो यह रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पशुओं के झुंड के लिए क्या आता है, हर्ड, ए हर्ड ऑफ कैटल यानी पशुओं का झुंड। इसी प्रकार भेड़ों का जो झुंड होता है उसके लिए क्या कहा जाता है, ए फ्लॉक ऑफ शीप यानी भेड़ों का झुंड। इसके अंदर भी अगर अपने ए ग्रुप ऑफ शीप कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भेड़ों का जो झुंड होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ए फ्लॉक ऑफ शीप। इसी प्रकार जो जहाजों का जो बेड़ा होता है उसके लिए समूह के रूप में यूज किया जाता है, ए फ्लीट ऑफ शीप्स यानी जहाजों का बेड़ा। तो यहां पर भी अपने को ए ग्रुप ऑफ शीप्स करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ए फ्लीट ऑफ शीप्स जहाजों का बेड़ा होता है। इसी प्रकार आगे है यानी किसी किन्नी लड़कियों का झुंड, लेडीज का झुंड, ब्यूटीज यानी अप्सराओं का झुंड और स्वान्स यानी हंस का झुंड या ग्रुप, तो उसको क्या कहेंगे, ए बीवे ऑफ गर्ल्स, ए बेवे ऑफ गर्ल्स, ए बेवे ऑफ लेडीज, ए बेवे ऑफ ब्यूटीज, ए बेवे ऑफ स्वान्स, यानी लड़कियों के, लेडीज के लिए, ब्यूटीज के लिए जो ग्रुप होता है उसके लिए क्या यूज करेंगे, ए वीवे ऑफ, यानी अपने को ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार जब हंसने वाले व्यक्तियों का कोई ग्रुप हो तो उसके लिए यूज करते हैं ए पील ऑफ लाफ्टर, ए पील ऑफ लाफ्टर यानी हंसने वालों का ग्रुप। ये था कलेक्टिव नाउन। अब हम आते हैं मटेरियल नाउन पर। मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन की डेफिनेशन देखें, मटेरियल नाउन इज ए नाउन विच वी कैन ईट, ड्रिंक, सी, टच, वे एंड मेजर बट कैन नॉट काउंट। यानी मटेरियल नाउन या पदार्थवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे हम खा सकते हैं, ड्रिंक पी सकते हैं, सी देख सकते हैं, टच छू सकते हैं, वे माप तोल सकते हैं, मिजर तोल सकते हैं, परंतु कैन नॉट काउंट, परंतु हम उनको गिन नहीं सकते हैं। यानी मटेरियल नाउन को हम, मटेरियल नाउन के अंदर वे आएंगे जिनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, परंतु हम उनको काउंट यानी गिन नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो ब्रेड, बटर, बटर यानी मक्खन, मिल्क दूध, कर्ड दही, वाटर, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, कसा, आयरन, लोहा, डिनर, लंच, ये सभी जो वर्ड होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, खा सकते हैं, परंतु हम इनको काउंट नहीं कर सकते। यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन के अंदर अनकाउंट वाली जो वस्तुएं होती हैं उन्हीं को हम लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम देखें, दिस टॉय इज मेड ऑफ आयरन, दिस टॉय इज मेड ऑफ आयरन। तो यहां पर आयरन यानी लोहा जो वर्ड है वो किसके अंदर आएगा, मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। इसी प्रकार आई लाइक टू ईट बटर, तो बटर यानी मक्खन जो शब्द है उसको हम गिन नहीं सकते, मक्खन को खा सकते हैं, तो मक्खन जो वर्ड है वो भी किसके अंदर आएगा, मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। इसी प्रकार है आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, तो मिल्क यानी दूध को हम पी सकते हैं परंतु हम उसको काउंट यानी गिन नहीं सकते, तो मिल्क वर्ड भी किसके अंदर आएगा, मटेरियल नाउन के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन संज्ञा का वह प्रकार है विच कैन बी, जिसको फील ओनली बाई एस, जिसको हमारे द्वारा सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील यानी महसूस किया जा सकता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा वह होती है
जिसको हमारे द्वारा सिर्फ क्या किया जा सकता है, फील यानी महसूस किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें कि ब्रेवरी, तो ब्रेवरी यानी बहादुरी किसी की हो तो उसको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार होनेस्टी, ईमानदारी, किसी की ईमानदारी को भी क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। काइंडनेस, विजडम, बुद्धिमानी, ट्रूथ, सत्यता, लव, प्रेम, हेट, लव, काइंडनेस, चाइल्डहुड, मदरहुड यानी मातृत्व, बॉयहुड, फुलिसनेस, ये ऐसे वर्ड हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा से आशय है कि भाववाचक संज्ञा के अंदर वो नाउन आते हैं जिनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके अलावा सभी जो सब्जेक्ट यानी विषय जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। यानी पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट सब होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। इसी प्रकार ऑल लैंग्वेज यानी सभी जो भाषाएं होती हैं, इंग्लिश, स्पेनिश, सभी जो भाषाएं होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। इसी प्रकार ऑल डिजीज यानी सभी जो बीमारियां होती हैं वो भी किसके अंदर आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। एजा, मिजल्स, सभी जो बीमारियां होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि नाउन के कितने भेद होते हैं, 5 प्रकार के भेद होते हैं। सभी को अपने अलग अलग टाइप के अंदर देखना है। एग्जाम्पल के रूप में हम अगर समझना चाहें तो जैसे कोई लड़का है तो लड़के को अंग्रेजी के अंदर कहते हैं बॉय। अब बॉय जो वर्ड है वो किसके अंदर आएगा, बॉय जो वर्ड है वो कॉमन नाउन के अंदर आता है क्योंकि ये पूरी जाति का बोध कर रहा है। अगर हम लड़के का नाम लें जैसे जैसे टिंकू, अगर किसी लड़के का नाम है जैसे टिंकू, तो टिंकू अगर पर्टिकुलर जो नाम दे दिया तो वो किसके अंदर आएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। अब हम उसी लड़के को जब क्लास के अंदर बैठता है तो वह किसके अंदर आएगा, क्लास जो वर्ड है वो किसके अंदर आएगा, वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। अब मान लो वही लड़का जंगल के अंदर जाता है और वहां पर उसको क्या करता है, कोई शेर है वो खा जाता है, तो उसके अंदर क्या निकला, मीट निकला यानी मांस निकला। तो मांस जो वर्ड है वो किसके अंदर आएगा, मटेरियल नाउन के अंदर। अब जब उनके घर वालों को पता चला तो उनके घर में जो भाव पैदा हुआ, किसका भाव पैदा हुआ, सैडनेस का। तो सैडनेस जो वर्ड है वो किसके अंदर आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। तो इस प्रकार अपने को नाउन के जो प्रत्येक प्रकार है उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर सीखना है। इसी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है। जैसे कि वर्ड दे दिया जाता है कोई वाक्य के अंदर, जैसे कॉपर, तो कॉपर के ऊपर अंडरलाइन कर दिया तो कॉपर वर्ड है वो किस नाउन के अंदर आता है, तो अपने को वो पहचानना है। थैंक यू गाइज, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।